बरमकेला क्षेत्र में पानी की समस्या हर साल होती है, सब जानते हैं। लेकिन अगर गांव में पानी की समस्या किसी एक व्यक्ति की वजह से हो, यह कहां का न्याय है? हम बात कर रहे हैं ग्राम घोघरा का, जहां की आबादी तो लगभग 500 की आसपास है और वहां 52 एकड़ का तालाब भी है। लेकिन तालाब को गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गाँव में पीने के पानी के साथ साथ लोगों को निस्तारी में भी भारी समस्या हो रही है और शासन प्रशासन मौन है। करीब 500 आबादी वाले गांव घोघरा में 52 एकड़ तालाब को गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गांव के धन्ना सेठ 100 एकड़ खेत में धान की फसल लगाकर तालाब के पानी को सींचने पर आमदा है। तालाब सूखने के कगार पर है। उसी गंदे पानी से ग्रामीण निस्तारी और प्यास बुझा रहे हैं। अब हालात और भी बिगड़ता जा रहा है। तालाब का पानी रोज कम होने लगा है, इससे पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका है। तालाब को सूखता देख ग्रामीण निस्तारी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ परवल बैगन की खेती कर रोजी कमाने वाले लोग तालाब के पानी को लेकर चुप हैं। इन छोटे किसानों की आड़ में धन कुबेर मनमाने खेतों में पानी सींच रहे हैं। इधर पंचायत सरपंच सचिव अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनकी नज़र में सब कुछ ठीक है। तालाब में 5 से 7 फीट पानी होने का दावा सचिव कर रहा है, जबकि घुटने तक ही पानी बचा है। ऊपर से कीचड़ दिख रहा है। गंदे पानी में नहाने के बाद खुजली हो रही है। लोगों को अब गांव में महामारी फैलने का डर सता रहा है। इस मामले में सचिव विप्र ने कहा, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, यह सिर्फ उनकी भपकी है। मैंने 2 महीने पहले मुनादी कराया था और तालाब के पानी का दुरुपयोग नहीं करने को कहा था। लोग नहीं माने और सब्जी भाजी धान लगा दिए। अब पानी कम होने लगा है तो चिल्ला रहे हैं। बोर और हैंडपंप चालू है, इसलिए पानी की समस्या का सवाल ही नहीं उठता है। सरपंच मनमोद चौहान ने बताया कि वे पंचायत के प्रस्तावों से अनजान हैं। गांव में नल जल योजना का अता पता नहीं है। सचिव से पूछे जाने पर पहले तो योजना के तहत काम होना बताया। जितने घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है, पूछने पर असलियत सामने आ गया। इतना ही नहीं, पंचायत सरपंच सचिव ने पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने 15 दिन की मोहलत गाँव वालों से मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाया है। ग्रामीण मुरली सिदार, गोकुल सिदार, शेषदेव पंडा, पंच नित्या सिदार, दमोदर साव, भंवर साव आदि ने बताया कि हैंडपंप और बोर के पानी से चावल दाल नहीं पक रहा है। हैंडपंप का पानी लौह युक्त है, इस कारण पानी गला से नहीं उतरता है। हैंडपंप के पानी की जांच की मांग कई बार किया जा चुका है, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए तालाब के पानी का दुरुपयोग गाँव वाले कर रहे हैं। हमें डर है कि हैंडपंप के पानी में क्लोराइड की मात्रा है, इस कारण खाना नहीं पक रहा है। हाँ, यह बात सच है कि तालाब के गंदे पानी से पीलिया जैसी महामारी का खतरा हम सबके ऊपर मंडरा रहा है। वैसे भी कोरोना महामारी की वजह से हम सब घरों में कैद हैं। अगर पीलिया महामारी फैली तो इसका जिम्मेदार पंचायत होगा। ग्रामीणों का शिकायत तो जायज है। ये 15 दिन से पहले हम लोग गाँव में एक विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे थे, उसमें पंचायत सचिव द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि 15 तारीख तक जल पानी का सुविधा घोघरा गांव में हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बावजूद भी पानी का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया यहां पंचायत द्वारा, तो गांव में आक्रोश देखने को मिला और गांव के जो भद्र व्यक्ति हैं उनको टर्चर किया गया ग्रामीणों द्वारा कि हम लोग पानी का समस्या हो रहा है, हमको पानी का सुविधा कराओ बोल के। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश किए कि 5 गिरधारी साहब को बुलाए थे, सरपंच मनोज चौहान को हम लोग बुलाए थे, इन लोग भी हमको आश्वासन दिए कि पानी का सुविधा हो जाएगा। लेकिन रवि फसल हो जाने के कारण पानी का समस्या बहुत ही अभी नाजुक है। आप तो देख रहे हैं, ये पानी पूरा तालाब, इतना बड़ा तालाब, निस्तारी तालाब सूख गया है और पानी को इसी में हम लोग हर परिवार से यहाँ से पानी जाता है। खाने पीने का सब सुविधा इस पानी से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। उसको अभी गर्मी के मद्देनज़र देखते हुए बहुत समस्या, अभी अप्रैल है, अप्रैल मई जून जुलाई ये सब इतना दिन तक है, तो हम लोग को पानी का बहुत समस्या है। प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम द्वारा हम प्रशासन को, SDM साहब को, CO साहब को, कलेक्टर साहब को अवगत करवाते हैं कि हमारे गांव का जो पानी का समस्या है और कोरोना काल अभी चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहां का पानी का सुविधा जल्द से जल्द करवाएं, यही हम लोग ग्रामीण लोग चाहते हैं। हाँ जी, हम ग्राम घोघरा के आम जनता हैं, कोई मेम्बर सरपंच नहीं है।
आज के 2 महीना हो गया, 52 एकड़ का तालाब है ये, पूरा भरपूर पानी था। पुटवार को गांव वाले बुला करके मुनादी भी किए हैं पानी के बारे में, उसके बाद पंचायत वाले भी मुनादी किए पानी के लिए, पानी मत लो भाई, पानी नहीं है, पानी कम हो रहा है बोल करके, लेकिन किसी का बात नहीं मान करके अभी तक पानी, और नहाने तो नहाने बैठ करके नहाना भी अभी मुश्किल हो रहा है। हमारा क्या कहना है, लोग तो सब पानी ले जा रहे हैं, ले गए हैं, कैसे करके हमारे यहाँ इतना बड़ा बस्ती का जल्द से जल्द पानी का सुविधा होने का कृपा करें। 2 महीने पहले ही सचिव सरपंच को सूचित किया गया था कि पानी कम हो रहा है, इसकी व्यवस्था कीजिए, पर अभी तक सचिव सरपंच ने कुछ व्यवस्था नहीं किया है। क्या बोलते हैं सरपंच सचिव? करेंगे करेंगे बोल बोल के अभी 2 महीना टाल दिए, अभी तक नहीं हुआ है कुछ। नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग? हम गांव वाले चाहते हैं अच्छे से पानी व्यवस्था हो जाए खाने पीने के लिए, तालाब का पानी पीने खाने के लिए उपयोग करते हैं, उस वजह से अभी समस्या हो रहा है। पानी की समस्या हो रहा है और बिजली की भी समस्या, जो मोटर पंप चला कर पानी पूरा सूखा हो गया है। कब से है ये समस्या? हो गया ना 1-1.5 माह। और 3 फेज की भी समस्या है, 3 फेज नहीं होने के कारण क्या मेन समस्या है, पंखा वंखा कुछ नहीं चल रहा है और पानी पूरा तालाब का सूख गया है, लोगों को बहुत असुविधा हो रहा है। एक ही ट्रांसफार्मर आपके गांव? हाँ, एक ही ट्रांसफार्मर है। क्या चाहते हैं आप? वही है कि गांव में 3 फेज हो और पानी की भी व्यवस्था की जाए। यहाँ की जनसंख्या 400 है, जो इधर ट्यूबवेल भी उतना नहीं है और तालाब पूरा सूखा हो गया है, वहाँ नहाने की भी बहुत समस्या हो, दिक्कत है। सरिया से रेशम लाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।